गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा था, स्टार्ट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और आज हम लोगों को पढ़ना है लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आज हम लोगों को कम्प्लीट करना है। तो बच्चों अब बेसिक हमें देखना है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के कौन कौन से लिमिट्स थे, क्या ड्रॉबैक थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अपने किन किन कारण से सक्सेस नहीं हुआ था, अनसक्सेस हुआ, कौन कौन से रीजन थे, वो आज हमें डिस्कस करना है। तो बच्चों सबसे पहला टॉपिक आता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बच्चों एससी और एसटी कम्युनिटी ने एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया था। और उसका रीजन मैंने बताया था कि बी आर अम्बेडकर ने एक मूवमेंट चला रखा था अनटचेबल के लिए। उनका कहना था कि अगर इंडिया इस सिचुएशन में आजादी गेन भी कर लेता है, इफ इंडिया इज ऑल्सो गेनिंग द फ्रीडम इन दिस सिचुएशन, देन वो एससी और एसटी कम्युनिटी के लिए फ्रीडम नहीं होगी, क्योंकि एससी एंड एसटी कम्युनिटी को बेटा अपर कम्युनिटी अपने कंट्रोल में कर लेगी, अपनी स्लेव की कंडीशन पे ला देगी, अपना स्लेव बना लेगी, और वो पर्टिकुलरली फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर पाएंगी, फ्रीडम को गेन नहीं कर पाएंगी। इस वजह से उन्होंने डिमांड किया कि एससी एंड एसटी कम्युनिटी को भी सेपरेट इलेक्टोरल का स्टेटस प्रोवाइड किया जाए, सेपरेट इलेक्टोरल का की सुविधा की मतलब एक सेपरेट इलेक्टोरल की व्यवस्था अरेंजमेंट शुड बी प्रोवाइडेड टू द या सेपरेट इलेक्टोरल फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड टू द एसटी एंड एसटी कम्युनिटी सो दैट दे कैन ऑल्सो गेन द सेम फैसिलिटी विच हैज बीन गिवन बाय द मुस्लिम कम्युनिटी इन द एक्ट ऑफ 1909। बेटे एक्ट ऑफ 1999 में ब्रिटिशर्स ने पहली बार मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बेटे सेपरेट इलेक्टोरल पॉलिसी की व्यवस्था किया था। तो वही व्यवस्था हमारे एससी और एसटी कम्युनिटी चाहते थे इन द लीडरशिप ऑफ अंबेडकर, दैट्स द रीजन एससी एंड एसटी कम्युनिटी वर नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो सबसे पहली लिमिट थी बच्चों सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, सबसे पहली लिमिट थी नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेशन ऑफ द एससी एंड एसटी कम्युनिटी। दूसरा बच्चों हम लोग देखते हैं और इसका मेन रीजन इन द लीडरशिप ऑफ बी आर अम्बेडकर की लीडरशिप में हमारी एससी एंड एसटी कम्युनिटी बच्चों एक अलग मूवमेंट चला रही थी कि हम लोगों को इक्वल स्टेटस दिया जाए, हम लोगों को सेपरेट इलेक्टोरल पावर्स दिए जाए, सेपरेट इलेक्टोरल पावर्स, जबकि गांधी जी इस बीच का बहुत ज्यादा अपोज कर रहे थे कि अगर सेपरेट इलेक्टोरल पावर्स एससी एंड एसटी कम्युनिटी को दे दी जाएगी तो सोसाइटी में कभी यूनिटी नहीं आएगी, और जिस तरीके हिंदू मुस्लिम के बीच एक वेरिएशन क्रिएट हो चुका है, एक खाई बन चुकी है, सेम कंडीशन विल बी हमारे सोसाइटी में, कई ग्रुप बन जाएंगे और यूनिटी विल नेवर एस्टेब्लिश इन इंडिया, और इंडिया की जो फ्रीडम है, फ्रीडम की जो बातें हैं बेटा वो बहुत दूर चली जाएगी। इस वजह से उन्होंने कहा कि आप सेपरेट इलेक्टोरल पावर्स की डिमांड मत करिए। ठीक है बच्चों, इसके बारे में हमें आगे पढ़ते हैं पूरा पैक्ट में। दूसरी व्यवस्था बच्चों हम लोगों की मुस्लिम कम्युनिटी भी बहुत ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। उसका बहुत बड़ा रीजन था बच्चे कि मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना की लीडरशिप में मतलब पहले मैं बता दूं कि मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हो चुका था बच्चों, अंग्रेजों की पॉलिसी ही थी डिवाइड एंड रूल, द पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स वॉज डिवाइड एंड रूल, और अपने इस डिवाइड एंड रूल के थ्रू वो सोसाइटी को, इंडियन सोसाइटी को मेनी ग्रुप में डिवाइड कर देना चाहती थी ताकि इंडियन सोसाइटी के बीच में कभी यूनिटी ना आए, और इंडिया एक कंट्री है ये कभी भी लोगों के अंदर एक फीलिंग्स ना जनरेट हो कि इंडिया एक कंट्री है, दैट्स वाई वो हमेशा इंडिया को बच्चों एक सब कॉन्टिनेंट का स्टेटस देते थे, कभी इंडिया को एक कंट्री एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो इस वजह से वो चाहते कि इंडिया के लोगों के अंदर एक फीलिंग्स ना आए, नेशनलिज्म की फीलिंग्स ना आए, इस वजह से उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को पहले डीपली डिवाइड किया सोसाइटी को बाय प्रोवाइडिंग देम द सेपरेट इलेक्टोरल पावर्स इन 1909। तो और इसके बाद बच्चों 1996 में इसके पहले ही मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन किया जा चुका था, ये भी बेटे अंग्रेजों के थ्रू ही, अंग्रेजों के ही गाइडलाइन में फॉर्म किया गया था आगा खान पैलेस में, और वो मुस्लिम कम्युनिटी कांग्रेस का कम्प्लीटली अपोज करती थी और मुस्लिम कम्युनिटी पाकिस्तान का डिमांड करने लगी थी। तो इस वजह से वो बिल्कुल एक्टिवली पार्टिसिपेट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में नहीं कर रहे थे। तो बच्चे ये दूसरा रीजन था और नॉट मुस्लिम कम्युनिटी का, मुस्लिम कम्युनिटी भी बेटे इसमें बहुत ज्यादा, मुस्लिम कम्युनिटी भी इसमें बहुत ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी। फिर तीसरा बच्चों आता है, तीसरा बच्चों इसमें एक प्रॉफिट हुआ कि इसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट ये हुआ बच्चों कि इसमें इंडस्ट्रीज ग्रुप ने कंपेरेटिवली बच्चों नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट के कंपेयर में, इन द कंपेरिजन ऑफ द नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट, इसमें इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस ग्रुप ने कुछ ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, क्योंकि बेटा जब नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट चलाया जा रहा था तो वो पहला नेशन वाइड मूवमेंट था नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट,
तो इस वजह से जो इंडिया के इंडस्ट्रीज ग्रुप था या इंडिया का जो बिजनेस ग्रुप था, बिजनेसमैन ग्रुप था, उनको एक डर था, उनको डर सता रहा था कि मे बी पॉसिबल गांधी जी सिचुएशन को संभाल नहीं पाएंगे और इसका रिजल्ट होगा कि सोसाइटी में अराजकता फैल जाएगी, सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर एकदम कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा और इसका रिजल्ट होगा कि उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनकी जो इंडस्ट्रीज है, उनकी जो शॉप है, उनकी जो बिजनेस है, वो खतरे में आ जाएंगे और उनकी प्रॉपर्टी का लॉस होगा। इस वजह से एक्चुअली जो हमारा इंडस्ट्रीज ग्रुप था या जो हमारा बिजनेस ग्रुप था या जो हमारा रिच ग्रुप था, दे वर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द एक्टिवली इन द नॉन कोऑप्शन मूवमेंट, बट उन्होंने नॉन कोऑप्शन मूवमेंट की सक्सेस को देखा था और उन्होंने गांधी जी के लीडरशिप को देखा था, गांधी जी पे उनका फेथ हुआ था। इस वजह से जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को एक पॉजिटिव सपोर्ट मिला कि इसको एक बिजनेस ग्रुप का या इंडस्ट्रीज ग्रुप का अच्छा सपोर्ट मिला और बहुत ढेर सारे बिजनेस मैन ने बेटे कांग्रेस की मेंबरशिप को ही अडॉप्ट कर लिया था। मैंने बताया था जैसे अडानी और आपका बिरला ग्रुप है, इन लोगों ने काफी लोगों ने बेटा डायरेक्ट इन्होंने बिजनेस इसको डायरेक्ट कांग्रेस की मेंबरशिप को ही डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लिया था और कुछ लोग बेटे बाहर से कांग्रेस को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे थे फॉर द डिफरेंट एक्टिविटी के लिए। तो इस तरीके से बच्चों मैं आप लोगों को समझा रहा था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वैसे अपने सक्सेस को नहीं गेन कर पाया क्योंकि इसका रिजल्ट आप लोग जानते हो बेटा, इसका रिजल्ट जानते हो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का रिजल्ट तो बहुत गलत हुआ था क्योंकि बच्चों रिजल्ट में क्या हुआ था कि आपको मैंने बताया था कि गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, इरविन पैक्ट साइन किया गया, गांधी इरविन पैक्ट और इसके हिसाब से गांधी जी को अपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस लेना पड़ा बिना अपने टारगेट को पाए हुए, बिना अपने पीक पॉइंट में पहुंचे हुए गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस को मूवमेंट को वापस ले दिया क्योंकि लॉर्ड इरविन ने गांधी जी से मुलाकात करने के बाद गांधी जी से बताया कि वी आर एग्री टू फुलफिल योर 11 डिमांड्स विच यू आर डिमांडिंग एंड अकॉर्डिंग टू विच यू हैव प्रॉमिस दैट इफ विक्टर्स विल एक्सेप्ट टू आवर 11 डिमांड्स देन दे विल नेवर हियर द नेम ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नाउ वी आर एग्री टू फुलफिल योर नीड्स, टू फुलफिल योर डिमांड्स, बट यू हैव टू विथड्रॉ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड हैव टू पार्टिसिपेट इन द लंदन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो बच्चों 1931 में ही क्या कहते हैं 1931 के स्टार्टिंग में ही गांधी जी ने मार्च 1931 में ही बेटे गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस ले लिया और गांधी जी के 11 डिमांड्स को फुलफिल करने की प्रॉमिस किया लॉर्ड इरविन और इसके बाद गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विथड्रॉ करने के बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए लंदन चले गए। तो इस तरीके से इसका भी इस मूवमेंट का भी वही असर हुआ जो नॉन कोऑप्शन मूवमेंट का, कंपेरेटिवली नॉन कोऑप्शन मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के कंपेयर में बेटे ज्यादा सक्सेस मूवमेंट था। ठीक है, पहला मूवमेंट था उसने लोगों के अंदर एक करेज पैदा किया लेकिन इसमें तो गांधी जी कम्प्लीटली धोखे में रहे और जब वहां से लौट करके आए तो मैंने बताया था आफ्टर रिटर्निंग बैक फ्रॉम द इंग्लैंड मतलब गांधी इरविन लॉर्ड इरविन हुआ वायसराय एज वेल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उनका ट्रांसफर हो गया और उनकी जगह पर लॉर्ड वेलिंगटन को इंडिया का गवर्नर जनरल बनाया गया और लॉर्ड वेलिंगटन ने आते ही डिक्लेयर कर दिया कि गांधी जी के और गांधी इरविन पैक्ट की कोई भी सिचुएशन को ब्रिटिश गवर्नमेंट फुलफिल करने के लिए प्रेशराइज नहीं है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को के ला को ब्रिटिश गवर्नमेंट उसके सिचुएशन को, उसके कंडीशन को या उसके कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करने के लिए प्रेशराइज नहीं है। और इस तरीके से बच्चों गांधी जी को इस मोमेंट में भी धोखा लगा, हालांकि उन्होंने वापस आने के बाद पर्सनल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या पर्सनल सत्याग्रह स्टार्ट किया और उसमें सबसे पर्सनल सत्याग्रही जो बने वो विनोबा भावे बने और विनोबा भावे का बेटा एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट आता है, दैट इज भूदान मूवमेंट। भूदान मूवमेंट मतलब जिन जमींदारों के पास बहुत ज्यादा जमीन है वो जमीन को दान दे, जमीन को गरीब लोगों को मतलब दान में दे ताकि गरीब लोग उसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटी को करें और एग्रीकल्चर एक्टिविटी को करने के बाद अपनी रोजी रोटी, अपनी लिविंग हुड को वो अर्न कर सके, इसी को बेटा भूदान मूवमेंट कहते हैं। और भूदान मूवमेंट स्टार्ट किया गया बाय मिस्टर विनोबा भावे और पर्सनल सत्याग्रही या पर्सनल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के पहले वर्कर बने, पहले कार्यकर्ता बने हमारे विनोबा भावे। तो बच्चों वो चलता तो कहा जाता है कि 1934 तक रहा लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट नहीं था क्योंकि जो मेन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था दैट हैज बीन ऑल्सो विथड्रॉन बाय महात्मा गांधी इन 1931 आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द गांधी इरविन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से रहा। आपको बच्चों मैं यहीं पर एक चीज बता दूं, पूना पैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, पूना पैक्ट और पूना पैक्ट के बाद आप लोगों का ये चैप्टर इंड की तरफ चलेगा। तो हम लोग आज बच्चों पढ़ लेते हैं पूना पैक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट क्या हुआ बच्चों, पूना पैक्ट क्या हुआ, पूना पैक्ट बेटे पूना पैक्ट 1932 में
5 सितंबर 1932 को बच्चों गांधी जी और अंबेडकर के बीच साइन किया गया। बात ये थी बच्चे कि अंबेडकर जी के बारे में बताया था, बी आर अंबेडकर के बारे में बताया, अंबेडकर के बारे में मैंने बताया क्योंकि अंबेडकर जी के बारे में बताया बच्चों कि बी आर अंबेडकर ने एससी एंड एसटी कम्युनिटी को सोसाइटी में ऑनरेबल पोजीशन प्रोवाइड करने के लिए बच्चों उन्होंने एक अलग मूवमेंट चलाया था, अनटचेबल मूवमेंट चला रखा था, जिसके हिसाब से उन्होंने कहा था कि हमारे जो एसटी कम्युनिटी के लोग हैं उनको भी सोसाइटी में एक ऑनरेबल पोजीशन मिले। इसके लिए उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ अलग ने एक मूवमेंट चला रखा था। तो उसको गांधी जी कह रहे थे कि आप सेपरेट इलेक्ट्रोल पावर की डिमांड मत करिएगा, जबकि बच्चों अंबेडकर जी सेपरेट इलेक्ट्रोल पावर की डिमांड कर रहे थे फॉर एससी एंड एसटी कम्युनिटी के लिए। तो गांधी जी बेटा जब पुणे पहुंचे उन्होंने अंबेडकर को मनाने की कोशिश किया कि यू शुड नॉट बी रिजिड फॉर डिमांड ऑफ द सेपरेट इलेक्ट्रोल पावर्स, बट अंबेडकर जी बिल्कुल नहीं मान रहे थे इस बात को लेकर के। तब बच्चों गांधी जी को भूख हड़ताल करना पड़ा, पूना में भूख हड़ताल करना पड़ा एंड तब जाकर के अंबेडकर जी माने। गांधी जी ने अंबेडकर जी को बहुत ज्यादा आश्वस्त किया, गांधी जी ने अंबेडकर जी को बहुत प्रॉमिस किया कि there should be no insult manners for the SC and ST community in our society because we will give the perfect respect, and he has promised that no one will call to the suppressed community to as SC and ST scheduled tribe and scheduled caste, but we will call them as a Harijan hum log kahenge beta Harijan Gandhi ji ne kaha tha Harijan beta हरिजन का मतलब होता है सन ऑफ गॉड कहेंगे, उन्हें कभी भी एससी एसटी नहीं कहा जाएगा और उन्हें सोसाइटी में रेस्पेक्टेबल पोजीशन प्रोवाइड की जाएगी। तब जाकर के बेटे अंबेडकर जी साइन हुए और अंबेडकर जी एग्री हुए और तब गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट साइन किया गया। पूना पैक्ट वॉज साइन एंड अकॉर्डिंग टू दिस बेटे अंबेडकर जी ने अपनी सेपरेट इलेक्ट्रोल पावर की डिमांड को वापस लिया था एंड गांधी और इरविन पैक्ट साइन किया गया था। तो बेटे गांधी इरविन पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में खूब पूछा जाता है, दो नंबर में पूछा जाता है व्हाट इज पूना पैक्ट एंड अमंग होम पूना पैक्ट वॉज साइन। तो पूना पैक्ट वॉज साइन बिटवीन द महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर एंड अकॉर्डिंग टू दिस बी आर अम्बेडकर को बेटा सेपरेट इलेक्ट्रोल पावर की डिमांड को खत्म करना था और गांधी जी के थ्रू सोसाइटी में एससी एंड एसटी कम्युनिटी को एक ऑनरेबल एक वैलेबल पोजिशन को प्रोवाइड करना था और ये गारंटी लेनी थी कि कभी भी एससी एंड एसटी कम्युनिटी के साथ मिसबिहेव नहीं होगा, कभी उन्हें स्लेव बनाने की कोशिश नहीं की जाएगी इन द सोसाइटी में। तो इस तरीके से यहीं तक आप लोगों का चैप्टर है। आप लोग जब चैप्टर यहीं तक खत्म हो जाता है आप लोगों का, मैं आपको थोड़ा सा इंडिकेट किए दे रहा हूँ कि आगे आप लोगों को क्या पढ़ाया जाएगा। जब आप लोग आगे कॉम्पिटिशन की तैयारी करोगे या जब भी आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करोगे तो अब आपको बच्चों 1930 में पहली बेटा फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई थी जिसे किसी बड़े कांग्रेस लीडर ने एक्सेप्ट नहीं किया था, अडॉप्ट नहीं किया था जाकर के और अटेंड नहीं किया था, इस वजह से इसका कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं था। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बेटे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की थी 1931 में ऑर्गेनाइज की गई थी और ये बाय महात्मा गांधी और टॉप मोस्ट लीडर लाइक जवाहरलाल नेहरू, लाइक अंबेडकर, लाइक मौलाना आजाद, काफी लोगों ने कांग्रेस लीडर ने जाकर इसको पार्टिसिपेट किया था। इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपकी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है जो कि 1931 में ऑर्गेनाइज हुई थी। फिर दूसरी बेटे 1932 में ऑर्गेनाइज की गई थी, इसका भी कोई खास इम्पोर्टेंस नहीं था क्योंकि ये भी बेटे बहुत टॉप पोस्ट लीडर के थ्रू अटेंड नहीं की गई है। तो कुछ ही लीडर्स हाँ बच्चों ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट कंपटीशन में पूछा जाता है कि द नेम द पर्सनैलिटी हुआ जो अटेंडेड द थ्री तीनों के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। तो बेटा अंबेडकर जी थे, बी आर अंबेडकर थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। तो बी आर अंबेडकर वॉज द पर्सन हुआ जो अटेंडेड द ऑल थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज इन द लंदन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ साइमन कमीशन। मैंने बताया था कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस साइमन कमीशन के बेस पे, इन्हीं राउंड टेबल के बेस पे बच्चों 19 एक्ट ऑफ 1935 बनाया गया था।
तो आगे जब आप लोग पढ़ेंगे तो एक्ट ऑफ 1935 पढ़ाया जाएगा, और एक्ट ऑफ 1935 में बेटे स्टेट गवर्नमेंट पूरी की पूरी मतलब इलेक्टेड मिनिस्टर को, स्टेट पावर पूरी पूरी इलेक्टेड मिनिस्टर को दे दी गई थी, और सेंटर में पावर का डिवीजन किया गया था। मैंने पहले बताया था 1919 के एक्ट में स्टेट गवर्नमेंट का पावर किया गया था ट्रांसफर, एंड रिजर्व ट्रांसफर दी गई थी मिनिस्टर को, रिजर्व दी गई थी गवर्नर जनरल को, जबकि बेटा अब ये पूरी की पूरी पावर मिनिस्टर को दे दी गई थी, मिनिस्टर को दे दी गई थी बेटा, मिनिस्टर को दे दी गई थी। और यहाँ सेंटर पे पावर को दो पार्ट में बांट दिया गया था, पावर ऑफ मिनिस्टर और पावर ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हालांकि ये सिस्टम कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि जब इसके सिस्टम को इम्प्लीमेंट होना था तभी बच्चों सेकंड इसके इम्प्लीमेंट होने में 23 वजह से हो रही थी कि बेटा जो भारत में 562 प्रोविंसेस थी उनमें कम से कम आधी से ज्यादा प्रोविंसेस को इस ग्रुप में आना था, तभी ये एक्टिव होगा, तभी ये मतलब एक्टिव ये सिस्टम एक्टिवेट होता। लेकिन 562 आधी से आने के पहले ही बेटा हमारा सेकंड वर्ल्ड वॉर 3 सितंबर 1939 को सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, और ये पूरा सिस्टम हमारा कोलैप्स कर गया। तो इस तरीके से एक्ट ऑफ 1935 बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाया। अब बच्चों अब हम लोगों को यहीं पर एक टॉपिक पढ़ना है, कलेक्टिव बिलोंगिंग इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कलेक्टिव बिलोंगिंग क्या होता है आज हम लोगों को यही पढ़ना है। कलेक्टिव बिलोंगिंग में स्पेशली हमको आज पढ़ना है कलेक्टिव बिलोंगिंग पढ़ना है बच्चों। तो कलेक्टिव बिलोंगिंग में आज हम लोगों को पढ़ना है भारत माता। सबसे पहले हम लोग समझेंगे बेटा भारत माता के बारे में कि भारत माता कौन है। भारत माता के बारे में जो कि एक सिंबल है बेटा हमारे कंट्री का। तो बच्चों हम आपको बता दें बेटा कि यूरोप में सबसे पहले फ्रांस और जर्मनी में सबसे पहले हमको देखते हैं बेटा फ्रांस के बारे में। फ्रांस के रिवॉर्ड को आप लोगों ने 1789 के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9th में कि 1789 में हुआ था, जिसके समय लुई 16th के समय हुआ था बेटा फ्रांस रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में बेटे यूरोप में एक परंपरा चला कि देश को किसी भी कंट्री को लेडीज फिगर में विजुअल लेडी फिगर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का ट्रेंड। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि लेडीज के फॉर्म में किसी कंट्री को विजुलाइज करने का एक ट्रेंड आया कि कंट्री को बेटा विजुअल फॉर्म दिया जाए, पूरे कंट्री को बेटा हम कोई एक मूर्त रूप दिया जाए, एक विजुअल फॉर्म दिया जाए, और उसके लिए बेटे हम लोगों ने एक लेडी का फिगर जो कि सी इज मतलब बेटा मैं बता दूं कोई भी कंट्री जो कि लेडी के फॉर्म में रिप्रेजेंट की गई है, जैसे बेटा सबसे पहले फ्रांस को रिप्रेजेंट किया गया इन फॉर्म ऑफ मेरीना, एंड जर्मनी को रिप्रेजेंट किया गया इन फॉर्म ऑफ द जर्मिनिया। बच्चों मैंने एक बार क्वेश्चन पूछा था, मैंने पेपर दिया था टेस्ट में, जब मैं पहली बार स्कूल को ज्वाइन किया तो टेंथ का पेपर बनाया, और उसमें मैंने एक क्वेश्चन पेपर दिया था कि हु वाज मेरीना एंड जर्मिनिया। तो एक विकास नाम के लड़के ने जो कि इस समय हाईकोर्ट इलाहाबाद में पोस्टिंग पाए हुए है बेटा, तो उसने लिखा था आंसर कि सी आर बोथ आर वेरी फेमस ओमेन क्रिकेट प्लेयर, ऐसा करके उसने लिखा था। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि जर्मिनिया एंड मेरीना जैसे इंडिया में भारत माता भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए है, वैसे बेटे जर्मिनिया एंड मेरीना फ्रांस और जर्मनी को रिप्रेजेंट करने के लिए ये एक अलगोरी है बेटा। अलगोरी का मतलब होता है कि कोई इनका बार्न फॉर्म नहीं है, सी इज कम्प्लीटली इमेजिनरी लेडी। बेटे जो भारत माता है वो उनके कोई फादर नहीं है, मदर नहीं है, मतलब वो सी इज नॉट बॉर्न लेडी यार, वो बॉर्न लेडी ही नहीं है, उनको सिर्फ इमेजिनेट किया गया है, उनको सिंबलाइज किया गया है कि ये हमारा देश होगा और देश की हमारे विजुअल फॉर्म हमारी भारत माता होंगी। जैसे हमने डिफरेंट लोगों को डिफरेंट चीजों को विजुलाइज किया है, हमें आदत है कि किसी चीज को विजुअल फॉर्म में देखने की, तो वैसे बेटा हमने विजुलाइज किया है कंट्री को, विजुलाइज करने के लिए हमने भारत माता के रूप में एक फीमेल फिगर, एक लेडी फिगर के रूप में हमने विजुलाइज करने की एक ट्रेडिशंस को देखा, एक परंपरा को देखा। तो वैसे हम लोगों की जो विजुअल फॉर्म ऑफ क्या कहते हैं कंट्री है वो भारत माता है। भारत माता एक विजुअल फॉर्म ऑफ द कंट्री है, लेकिन वो कोई बॉर्न लेडी नहीं है, सी इज अलगोरी, सी इज नॉट, सी इज ओनली इमेजिनरी लेडी, सी इज नॉट बॉर्न लेडी।
उनका कोई इतिहास नहीं है, बस वो है कि वो हमारे देश को रिप्रेजेंट करती है, सी इज रिप्रेजेंटिंग टू आवर कंट्री, दैट इज नॉन एज ए भारत माता। तो ये विजुअल फॉर्म है। हिंदू रिलीजियस में खासकर विजुअलिटी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जैसे हम डिफरेंट गॉड को विजुअलाइज करते हैं, विजुअल फॉर्म में लाते हैं, ताकि विजुअलिटी बेटे बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी कंसंट्रेशन को बेटा विजुअलिटी के थ्रू बहुत ज्यादा कंसंट्रेट किया जा सकता है, किसी चीज को बहुत ज्यादा सोचा जा सकता है। कि जैसे मान लो हम ध्यान लगा रहे हैं, हमारे ध्यान में डिफरेंट डिफरेंट चीजें आती हैं, जब ध्यान लगाते हैं तो और भी डिफरेंट डिफरेंट चीजें आती हैं, तो कोई डिफरेंट चीज ना आए, एक विजुअल फॉर्म में हमारे दिमाग में कंसंट्रेट रहे, इस वजह से हम गॉड को भी विजुअलाइज करते हैं, एक विजुअल फॉर्म देते हैं, एक मूर्त रूप देते हैं। तो वैसे बेटे कंट्री का एक विजुअल फॉर्म है, भारत माता को बनाया गया है, भारत माता मतलब बनाई गई है, और भारत माता हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करती है। बच्चों भारत माता अगर देखा जाए तो पावर की भी सिंबल्स है, और भारत माता के बेटा एक तरफ लायन है और एक तरफ मतलब एक तरफ आप एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो भारत माता बीच में बनी होगी, और एक तरफ बेटा लेफ्ट साइड में उनके शायद एलिफेंट है, और राइट साइड में उनके बच्चों लायन का फिगर बना है, विच इज द सिंबल ऑफ विजडम एंड पावर। ठीक है, दोनों एक तरफ एक एलिफेंट का फिगर बना हुआ है, एक तरफ आप देखोगे तो एनसीईआरटी बुक में देखना बेटा बहुत क्लियर करके बनाया गया है, इन वन साइड देयर इज द फिगर ऑफ द एलिफेंट एंड लेफ्ट साइड एंड राइट साइड देयर इज द फिगर ऑफ द लायन। मे बी पॉसिबल मैं कुछ उल्टा बता सकता हूँ कि लेफ्ट साइड क्या है राइट साइड क्या है, लेकिन इसका मतलब है कि एक हमारा एलिफेंट इज शोइंग द विजडम एंड लायन इज ऑल्सो शोइंग द सिंबल ऑफ द पावर। मतलब भारत माता एक पावरफुल भी है और बुद्धिमान भी है, भारत एक विशाल देश है, भारत एक वास्ट कंट्री है, इसको शो करने के लिए हमने लायन एंड भारत एक पावरफुल कंट्री है, इसके लिए हमने लायन को भारत माता के साथ शो किया है। तो बच्चों इस तरीके से भारत माता क्वेश्चन आया करता है कि भारत माता सबसे पहले किसके थ्रू क्या कहते हैं रिप्रेजेंट की गई, तो ऐसा माना जाता है कि भारत माता सबसे पहले अवनींद्रनाथ टैगोर के थ्रू अपने पेज के अपने नॉवल के कवर पेज के लिए पेंट की गई। कहीं कहीं पर आपको जो बंकिमचंद चट्टोपाध्याय का नाम भी मिलेगा, बंकिमचंद चट्टोपाध्याय का नाम मिलेगा, लेकिन पहली बार बेटे भारत माता मिस्टर अवनींद्रनाथ टैगोर के थ्रू अपने नॉवल के कवर पेज के लिए यूज की गई। लेकिन ऐसे कंट्री के सिंबल के रूप में मतलब बच्चों चटर्जी जी के थ्रू रिप्रेजेंट की गई। तो इस तरीके से ये भारत माता है। बच्चों हम अभी भारत माता के बारे में कल और एक वीडियो हम और बनाएंगे, जिसमें हम भारत माता के बारे में पढ़ाएंगे और नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम के बारे में पढ़ाएंगे। नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम एंड भारत माता कलेक्टिव बिलोंगिंग, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि नेशनलिज्म को प्रमोट करते हैं। जैसे जब देखो बेटा जब क्या कहते हैं कोई इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, मैं आपको इसका इंपॉर्टेंस बता दूं कि बेटा नेशनल एंथम का क्या इंपॉर्टेंस है, नेशनल फ्लैग का क्या इंपॉर्टेंस है। तो कभी देखो विदेशों में बेटा, या कभी देखो कि जब कोई भारत का बंदा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतता है, और जब वो गोल्ड मेडल लेने जाता है बेटा, तो जब कोई विनर गोल्ड मेडल पाता है तो बेटे उस कंट्री का नेशनल एंथम वहां बजाया जाता है। सोचो बेटा उस समय कितनी प्राउड, पूरा हमारे देश की पूरी 130 करोड़ पॉपुलेशन कितना प्राउड फील करती है और कितना यूनिटी फील करती है, कितना एक नेशनलिज्म जनरेट होता है। तो इस तरीके से बच्चों ये कुछ ऐसे सिंबल्स हैं बाय विच नेशनल फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म कैन जनरेटेड, और इसका रिजल्ट मैं बता रहा हूँ कि आप लोग जब भी कभी ओलंपिक में इंडियंस कोई मेडल जीते और जब इंडियन नेशनल सॉन्ग नेशनल एंथम बचे, तो देखिएगा अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप थ्री इडियट वो जो आमिर खान की मूवी आई थी जिसमें मतलब वो लेडी लड़की को अपने पहलवान बनाते हैं, तो उसमें देखो जब भारत नेशनल एंथम बजता है तो कौन